अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 7th क्लास की उर्दू की टीचर मिस फातमा। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू बी में खत। वालिद के नाम ये खत है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि खत को लिखने का तरीका क्या है, यानी उसके जो पैटर्न है लिखने का वो हम किस तरह लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कमरा इम्तिहान, कमरा इम्तिहान, उसके बाद कोमा, उसके बाद हम लोग लिखते हैं अलिफ बे जीम, अलिफ बे जीम के बाद हम लोग लिखते हैं जो हाँ वो तारीख होती है जिस दिन की, यानी 21, और जो महीना चल रहा होता है अगस्त का है तो अगस्त, और जो साल चल रहा होता है सन 2020, जिस तरह ये मैंने आपको लिखकर बताया है। ये लिखने के बाद लिखते हैं मेरे प्यारे अब्बा जान। उसके बाद हम लोग जो दरमियान में हम लोगों ने मजमून लिखना होता है किस चीज़ के बारे में हमने उन्हें खत लिखा है, वो तमाम डिटेल लिखते हैं। जब वो तमाम डिटेल लिख लेते हैं उसके आखिर में लिखते हैं हम लोग वस्सलाम, आपका जो है वो बेटा या बेटी, आपका प्यारा बेटा या बेटी, उसके नीचे आप उसका नाम लिखते हैं। ये था हमारा लिखने का तरीका कि हम लोग अब लिखते कैसे हैं, उसका मैंने आपको पहले बता दिया कि कमरा इम्तिहान लिखते हैं, फिर उसके बाद अलिफ बे जीम लिखते हैं, फिर 21 अगस्त, और वो फिर उसके बारे में मेरे प्यारे अब्बा जान, और फिर आखिर में वस्सलाम, आपका प्यारा बेटा या बेटी। ये था हमारा लिखने का तरीका कि हम लोग इसको लिखते कैसे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अब इनके दरमियान में क्या लिखा जाता है कि मेरे प्यारे अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हमारा सालाना इम्तिहान के नतीजे का ऐलान हुआ। मैं आज खत लिखने ही वाला था कि आपका खत मौसूल हो गया। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप और दूसरे सभी अहले खाना खैरियत से हैं। आज जब असेंबली में नतीजे का ऐलान हुआ तो मेरी खुशी की इंतहा न रही कि मैं अपनी जमात में सभी फरीकों में अव्वल आया हूँ, यानी तमाम जमात के बच्चों में अव्वल पोजीशन ली है और 90% नंबर हासिल किए हैं। सारे बच्चों में तालिब इल्मों की मजमूई तादाद 500 से ज़्यादा है। इनमें अव्वल आना बहुत एजाज़ है, यानी बहुत अहमियत की बात है, जो मुझे अल्लाह की मेहरबानी और आपकी दुआओं से मिला है। हेडमास्टर साहब ने स्टेज पर बुलाया और इनाम दिया। मेरे सारे उत्साह कराम ने खुशी का इजहार किया और मुबारकबाद दी। इम्तिहान के नतज वालदेन को भिजवाए जा चुके हैं। उम्मीद है कि परसों तक आपको मिल जाएंगे। अब 7वीं जमात की किताबों और कापियों और फीस के लिए 2,000 रुपये दरकार हैं, यानी चाहिए हैं। मेहरबानी करके जल्द भिजवा दें ताकि मुझे परेशानी का सामना ना करना पड़े। अम्मी जान की खिदमत में सलाम। यानी इसमें खत में उसने अपने इम्तिहान के बारे में बताया है कि वो अव्वल पोजीशन पर आया है और उसे इनाम मिला है, और अगली जमात के लिए उसने कापी पेंसिल और 2,000 रुपये पैसे मंगवाए हैं ताकि वो अगली जमात के लिए जो है वो अपनी तैयारी कर सके। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और इसका क्विज सॉल्व करना है। इसका क्विज आपने ज़रूर सॉल्व करना है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। आपको सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 13, दरख्तों से मोहब्बत, अल्फाज मायने और जुमलों के बारे में। आपने उस सबक की रीडिंग करनी है ताकि हम उसके अगले लेक्चर के बारे में डिस्कस कर सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।